हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। महाकाली ड्राइंग की ये पार्ट टू है और इस पार्ट पे फेस और ज्वेलरी जो भी कलर आप देख रहे हो इसको ही मैं कैसे किया हूँ वो आप सबको सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पे कंटिन्यू रहना। आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट पे, तो जो भी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो पहले आप उसको देख लो। वो महाकाली को मैं कलर किया हूँ कैमलिन की आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल से। इसमें 20 कलर्स हैं। सॉफ्ट पेस्टल को आप दो तरीके से यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो। पहला है, पेस्टल को आप डायरेक्ट पेपर पे शेडिंग करके ड्रॉ कर सकते हो, और दूसरा है पेस्टल को किसी पेपर पे या फिर किसी कटर के हेल्प से आप पहले पाउडर बना लो और उसके बाद उस पाउडर को आप ब्रश की हेल्प से शेडिंग करके ड्रॉ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट पेपर पे ही शेडिंग करके ड्रॉ किया हूँ। कुछ एरिया पे मैं कलर पेंसिल की यूज़ किया हूँ और ब्लेंड मैं हाथों से ही किया हूँ, बट बिल्कुल छोटा एरिया जैसे कि आई पे, तो वहाँ पे मैं कॉटन बड की यूज़ करके मैं ब्लेंड किया हूँ। और आई आईब्रो वहाँ पे मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की यूज़ करके वो ड्रॉ किया था। और ग्रेफाइट पेंसिल का मैं यूज़ किया हूँ इस ज्वेलरी पे, और व्हाइट एक्रेलिक कलर मैं यूज़ किया हूँ आई और ज्वेलरी पे। तो चलो बिना देरी किए कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको आउटलाइन को 80% इरेज करना है, देन उसके बाद कलर को अप्लाई करना है। तो पहले मैं ब्रोन से कलर किया हूँ जो भी डार्क पार्ट है सिर्फ उस एरिया पे। इसके बाद मैं स्किन टोन कलर की यूज़ करके शेडिंग करूँगी और फुल ड्राइंग पे मैं फिंगर से ही ब्लेंड किया हूँ। सॉफ्ट पेस्टल पे आप फिंगर से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कुछ कुछ बिल्कुल छोटा एरिया है जहाँ पे फिंगर से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, तो उस एरिया पे जैसे कि आई पे, तो वहाँ पे आप कॉटन बड की यूज़ करके ब्लेंड कर सकते हो। अब रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे रेड है वहाँ पे रेड से शेडिंग और ब्लेंडिंग कर दूंगी। जिस जिस एरिया पे ब्लैक कलर की ज़रूरत है और जहाँ पे डार्क एरिया है, तो वहाँ पे मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ड्रॉ किया हूँ।
ज्वेलरी को ड्रॉ किया हूँ। पहले मैं योले से, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दिया था फिंगर से, देन उसके बाद जो भी शेडो एरिया है वहाँ पे मैं ब्रोंज से शेडिंग किया था, उसके बाद ऑरेंज से भी कुछ कुछ एरिया पे शेडिंग किया था। तो कहाँ पे किया था वो अच्छे से आपको देखना है। और जो भी हाईलाइट पार्ट है वहाँ पे मैं व्हाइट से शेडिंग कर दिया हूँ, और ज़्यादा हाईलाइट देखने के लिए मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया हूँ। आई होप ये ट्यूटोरियल आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ट्यूटोरियल पाने के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।